अभी मैं इंडोनेशिया के अंदर खड़ा हूँ भाई, इंडोनेशिया के अंदर जो हिंदू हैं, इंडोनेशिया बाली के अंदर, वो हिंदू क्या सोचते हैं हिंदू धर्म के बारे में, रामायण महाभारत के बारे में, कृष्ण गीता के बारे में, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। हम ये तक बताएंगे यहाँ क्या है, श्रीलंका में क्या हुआ था, रावण कहाँ था, विभीषण क्या था, सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अभी आपको आगे चल के बताएंगे यहाँ जो पंडित हैं, यहाँ जो पंडित होते हैं वो क्या क्या आपको बताएंगे उसके बारे में। आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ के लोग क्या जानते हैं। आपका दिमाग हिल जाएगा भाई, आपको सोचने को मजबूर हो जाएगा कि हमारे दिमाग में क्या चलता है, इनके लिए लोग क्या सोचते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। मेरे साथ भाई भी हैं, उनकी वाइफ भी हैं, जो मुझे असिस्ट कर रहे हैं इस सब जानकारियों को कलेक्ट करने में, क्योंकि सोनू भाई मेरे को हिंदी में अपने व्यूअर्स को बताएंगे, इनकी वाइफ है इंडोनेशियन लैंग्वेज में हमें बताने वाले हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो उनको इनको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि इंडोनेशिया में जकार्ता काफ़ी दूर से है और यहाँ बाली काफ़ी डिस्टेंस रह जाता है, 1200-1300 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। तो वो सारा कुछ हम आपको इनके माध्यम से सारी यहाँ से लोकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर हम आपको बताने वाले हैं। ये जो घर है आगे, कुछ घर हैं, नंबर्स ऑफ हाउसेज हैं अंदर, उनका एंट्रेंस यहीं से है, वो यहीं से एंट्री करते हैं भाई। और हमने जो कपड़े पहन रखे, भाई ने जो कपड़े पहन रखे, प्रॉपर हिंदू यहाँ ऐसे कपड़े पहनते हैं पूजा वूजा के टाइम पे। ये देखिए यहाँ एंट्री किया हमने, ये इन घर वालों के लिए बना हुआ। हम एक बड़े टेंपल में जाएंगे जो एक कम में इनका पूरी कम्युनिटी है, 20 घर है उनकी कम्युनिटी के लोगों का। यहाँ पे जो मंदिर है और उनके जो प्रिस्ट हैं, जो उनके जो पंडित बोलते हैं अपने वहाँ जो पंडित हैं, वो पूजा कैसे करते हैं, वो सारी जानकारी देने वाले हैं भाई। अब हम वहाँ जाएंगे तो कैमरा एक बार है ना इनको मेरे मिसेज को दे दो, हाँ। तो वो हमारी शूटिंग कर लेगी, क्योंकि उन भाई के लिए ना एक प्रेयर लेकर आई थी, मैंने कहा चलो मैं भी इंक्लूड हो जाता हूँ, अब हिंदू धर्म से है तो बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो जी यहाँ से ये टेम्पल है, यहाँ का टेम्पल का ही भारी है। अभी अंदर पूजा शुरू हो चुकी है भाई, हम अंदर जाएंगे पूजा के बारे में बताएंगे। अभी हमने दे दिया भाई को, तो भाई ये क्या करेंगे कि अपने को अभी हम पूजा के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा घुमा के आप ये देखेंगे इस तरफ, ये देखिए इस तरफ जो पूरा का पूरा बना हुआ है, घुमा के सारा घुमा के दिखाओ जरा, ये देखिए। अभी यहाँ पंडित जी हैं वो पूजा कर रहे हैं, हमारे पूजा कैसे करते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ पंडित जी हैं जो पूजा यहीं बैठ के करते हैं, इनका पूजा का तरीका भी, ये बहुत पुराने हैं, इनको काफी सारी गहराई से इनके बारे में जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। Tadi kita tuh memohon kepada para dewa, mohon tirta atau disebut air suci untuk membersihkan diri kita. यहाँ पे ना जैसे क्या है कि भाई लोगों अपने ना जैसे अपने अभी इन्होंने प्रेयर कर दी है, हम मंदिर में भी आ गए, तो मंदिर में आने के बाद क्या है कि जैसे अपने वहां पे गंगा जल लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है गंगा है, ठीक है, तो उनका एक पवित्र जल है, तो वो क्या है उससे क्या है हमें
वो हम को एक तरह से स्नान करवा रहे हैं। तो जैसे अपने इंडिया में तो क्या है कि छिड़क देते हैं हमारे ऊपर तो हम पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही इसमें रहेगा। ठीक है, यहाँ भी एक गंगा है, मतलब जैसे हमारे गंगा वैसे यहाँ भी। वो बाद में हम आपको उसके डीपली बताएंगे कि इनका क्या मानना है। Setelah kita memohon tirta, setelah kita memohon tirta Sanyuwangi tidak amerta tidak pemukat pengeluran dasar malu, di sana baru kita doakan melakukan pengelukatan. After we asking to God, tirta different which I don't understand. Then after that we ask God for make our bodies natural. इन्होंने अभी जो प्रे की है उसमें ये बोला है कि भाई हम प्रे कर रहे हैं अभी, और इन्होंने कुछ जैसे अपने लिए मान लो वो मांगी है, मनोकामनाएं मांगी है गॉड से, भी भगवान से मांगी है, अपने जो भी अपने भगवान है कृष्ण अर्जुन सभी है उनसे मांगी है। अब क्या है कि हमने ये भी बोला है कि हमारी ये जो अपनी जो ये क्या बोलते हैं अपनी बॉडी है, ठीक है, ये अपनी देह है वो उनको शुद्ध करना है, शुद्ध कर, उसके लिए भी हमने बोला है। ठीक है, तीर्थ यहाँ पर मुकार इतु तीर्थ लिमा मचम तीर्थ लिमा जनित इतु disebutkan pengelukatan dari Dewa Iswara, pengelukatan dari Dewa Brahma, pengelukatan dari Dewa Mahadewa, pengelukatan Dewa Wisnu, pengelukatan Dewa Siwa. Itu disebutkan Panca Mahatirta. वो अपने हैव दैट वन मुलुकत राइट, दैट वन आस्किंग फॉर फ्रॉम फाइव गॉड, दैट वन इन्होंने क्या है कि अभी जो भी हमारी प्रेयर की है ना, वो प्रेयर की है जैसे अपने ब्रह्मा विष्णु महेश शिवा और कृष्ण, ठीक है, इन्हीं सभी से क्या है कि हमारे यानी कि दुआ प्रेयर की है। ठीक है, जो भी अपने हिंदू रिलीजन में जैसे अपने करते हैं ना कि भगवान हम एक प्रेयर करते हैं किसी भी गॉड की करते हैं, तो ये क्या है यहाँ पे क्या करते हैं, ये चारों जैसे मेन जो है ना अपने ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, तो इन तीनों के अंदर क्या है कि ये इन तीनों को मांगते मानते हैं और उसकी एक साथ में ही प्रेयर करते हैं। ऐसे नहीं कि अलग, जैसे हमारे वहाँ पे कई होता है कि जब भाई हम वैसे तो हमें 32 करोड़ है तो वैसे रहेगा, melakukan pengelukatan. Okay, this much is enough. Then now wanna make melukat. Okay. Name is melukat for natural our body. Okay. अभी ये क्या है कि ये बोल रहे हैं कि अभी मैंने पूजा तो कर ली है, अब क्या है कि ये हमारी जो बॉडी है देह है तो उसको क्या है कि पवित्र करने के लिए अब आगे का प्रोसीजर करेंगे, तो देखते हैं क्या करते हैं। Open your t-shirt. Open, open t-shirt. Just open or pull out? Dibuka ya pak? Yeah. Yes, open, open. 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 In down, sir. Inside, inside. नीचे जाओ भाई, मैं भी आता हूँ।
Sangyang, Panchamaha, Tapukirin Sangyang, Panchamaha, Si, Panchamaha, Si, Panchamaha, Dukho, Adab Sangyang, Siwa, Hamukha, Hamukul, Pasemawani, Hamukul, Kulapanakul, Panchamaha, Pasemawani, Adab Sangyang, Pasipati, Diprahatan, 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 Terbaik, Diprahatan, Diprahatan, Sabdo, sekarang duduk. Ke mana hadapnya? Sana. Ini tumpangnya tiga, ini dewa tiga, Brahma, Wisnu dan Siwa. ये जो अभी हमारे लिए प्रेयर करेंगे तो वो क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अभी हम ब्रह्मा विष्णु महेश से हम क्या है कि पूजा करेंगे। Si tahu dia tuh sembahyang pertama. Sembahyang pertama tuh tangan kosong. Sembahyang pertama tangan kosong lah, kasih tahu. Oh. Ini. We pray first then open. Sembahyang pertama tangan kosong. Terus yang kedua maru anggo canang tuh. Yang kedua pakai canang. First no use this, then after that it is. Orang jadi 5 kali sembahyang. Sembahyangnya panglimo. 5 kali sembahyang. Five time praying. Okay. Then one use only. No. First no use, then after that use. Yang kedua makan. Ya, yang kedua pakai bunganya itu. Gimana di gimana? Coba tanya Pak Mangkunya. Dua. Di gimana, Pak? Sekarang pakai kembang. Bunga. Pakai bunganya. Diginiin ya, diselipin gini. Pegang dulu. Itu pegang aja. Bunganya ambil. Just take one. Mohon kehadapan Dewa Surya. Iya. Dewa Surya. Di apne Surya Bhagwan ke liye bhi prarthna karenge unse. Om Surya Chandra Ase Vasam Pavitram Jagat Rase Vasam Namo Asvasa Sekarang pakai kembang lagi. Yes, okay. Agar Hindu bahasa bhi lenge hum log. Theek hai? Aur ye bhi sembah bhakti dengan kepercayaan. Apa yang kita percayakan itu kita sembah. What you want, like you want something then. अब हमें जो भी अपने को जैसे जो भी अपनी मन्नत है, ठीक है, या जो भी हमें इच्छा है वो क्या है अपने मन में लेके और अपने ईश्वर से क्या है कि अपने भगवान से भी उनसे हम मांगेंगे, ठीक है, अपनी जो भी इच्छा है what you वो अपने मन में रखो और उसके बाद अपने को हाँ बोलना है। बुलाई बुलाई
kembang lagi, bunga lagi bunga. Mohon kepada semua dewa ya. Ya. For all अभी हम कह कि जो भी अपने जैसे ब्रह्मा विष्णु से अपने तो वैसे 33 करोड़ देवी देवता है तो यहाँ पे ज्यादा है कि 3 पे मानते हैं ठीक है तो अभी उन सभी के लिए प्रे करें Puyung lagi sekali. Lagi, one more. Ucapkan terima kasih. Thank you, thank you. No, you say thank you for that. आपने हमें दिया ठीक है धरती पे जन्म दिया अभी हमारे लिए किया इसके लिए हम आपके बहुत बहुत स्वस्थ हैं और हमारे सभी इच्छाएं हैं हम सभी चीजों से बुरी चीजों से दूर हमारे सभी काम ठीक है भाइयों हो गई अपनी जो भी अपने ने प्रेयर रखवाई थी यहाँ पे सब यानी कि हो गए थे अच्छा ये पूजा का ये तरीका है हाँ जी ये पूजा का तरीका है ना हिंदू धर्म का तो ये यहाँ पे है ये एज ए पंडित है मतलब यहाँ पे पंडित जी जरो मांकू पंडित जी ठीक है तो यहाँ पे जो लोग सोचते हैं कि अपने वहाँ जो इंडिया में हिंदू है वो सोचते हैं कि भाई राम का जन्म वहीं पे हुआ था लक्ष्मण वहीं पे पैदा हुए थे कृष्ण वहाँ पैदा हुए थे गंगा वहाँ बहती है यहाँ के लोग क्या सोचते हैं वो इनसे पूछते हैं यहाँ अलग ही बात है वो यहीं पे मानते हैं राम का जन्म हुआ था कृष्णा का जन्म हुआ था और यहीं पे लंका जहाँ पे सीता को रावण लेके गए थे वो जगह पे सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है जो पुल जो पत्थर फेंकते थे वो बहता था जो फ्लोटिंग स्टोन मतलब वो तैरता था वो पुल यहाँ पे भी बना हुआ है ये लोग मानते हैं कि यहाँ से विभीषण श्रीलंका गए उसके बाद वो आगे गए इंडिया गए तो वहाँ पे धर्म फैला हिंदू धर्म का फैलना हुआ तो ये सारी बातें मतलब और कुछ लोग अलग मानते हैं तो यहाँ लोग क्या मानते हैं इनसे बारे में इनसे पूछ लेते हैं रामायण के बारे में बता सकते हैं
feel about Ramayana, and why they thinking that why is this Hindu dharma is from here, actually born from here. Katanya mau cerita lagi katanya Pak, kenapa sedikit ini. Kenapa di sini bilang Hindu dari Indonesia? Maksudnya? Kenapa itu, orang-orang sini bilang Hindu pokok, dari pokok Hindu? Pokok Hindu itu asal Hindu. Asal Hindu. Asal Hindu itu berasal dari Bali, tapi ada juga yang menyebutkan berasal dari tanah India. Tidak semuanya mutlak dikategorikan dari Bali, tidak semuanya mutlak dikategorikan dari India. Kalau kata mutlak itu kan kita harus tahu yang benar. Sesungguhnya tidak ada yang mengenal yang benar itu yang mana. Semuanya itu sastra yang menyebutkan. Itu kalau disebutkan sekarang itu Bhagavad Gita itu yang menyebutkan kita begitu gitu kan. Akhirnya semua masyarakat Hindu itu semuanya ya semua dipercaya. Yang di India juga dipercaya, yang di Bali pun juga dipercaya. Kya kare? Ye inka kehne ka matlab hai ki bhai jaise na inka manna ye hai ki Hindu dharm yahan se ye asal mein Hindu hai. Aur jo bhi ye jaise apne first apne Ramayana hui thi. तो रामायण है वो एक्चुअल में यहाँ से हुई थी. राम थे वो जावा के वासी थे, जहाँ पे हम जकार्ता से आए हैं. तो वो जो प्रोविंसी है ना उसको हम जावा बोलते हैं, जावा बोलते हैं. तो वो राम का जन्म वहाँ पे हुआ था सच में, ठीक है, वहाँ पे हुआ था. और वहीं पे उनको क्या है कि आसपास में जैसे फॉरेस्ट था, जो भी अपने जो सेम कहानी है ना, जैसे अपने उसमें रामायण में जो दिया हुआ है कि उनके पापा हैं जो दशरथ जी ने उनको बोल दिया था कि आपको वनवास के लिए जाने पड़ेगा, वो वहाँ से गए थे, वहाँ से गए थे. और जो अपने रावण है तो वो थे सुमात्रा से थे, सुलावासी में. सुमात्रा आइलैंड है. सुमात्रा इज डिफरेंट फ्रॉम सुलावासी. अच्छा, तो सुमात्रा यानी कि एक आइलैंड है. और वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो रावण रहता था, और रावण भी जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है या हमारे रामायण में पढ़ते हैं कि वो बहुत बड़े भगत थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, ठीक है, वो सेम सब ये बोलते हैं कि वो सब थे, ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे अपने गीता रामायण में लिखा हुआ है कि वो जैसे सीता माता का हरण हो गया था, वो सब कुछ हुआ था, वो सब कुछ हुआ. और वो फिर जैसे जब ये सब उसके बाद जैसे रावण है वो मर गया था, उनको जैसे जब राम जी ने उनका वो दहन कर दिया था, तो उसके बाद क्या है कि जो इनका मानना ये है कि जो भीष्म थे ना जो बच गए थे वो गए थे इंडिया की तरफ, श्रीलंका में गए थे. और जो हिंदू धर्म था ना, कि हमारा इनका भी ये मानना है कि जो स्टार्टिंग में ये हुआ था कि हम क्या है कि अपने जो भगवान किसको मांगते थे, जो हमें कुछ दे रहा है, यानी कि नदी थी तो हम नदी को पूछते हैं ना, आयर को, ठीक है, और आग है जो हमें भस्म कर सकती है तो उसको भी पूछते थे, और वायु जो हमें सांस देती है, ठीक है. तो इनके तीन गोड है, पहले इनका मानना ये. तो उसके बाद ये मानते हैं कि हमारा क्या है कि यहाँ पे मेन जो गोड है, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है. उसके बाद क्या है कि वो अलग अलग रूप जैसे धारण करते ही है, जैसे फर्स्ट आए थे राम जी, इनका मानना है विभीषण वहां गए लंका. हाँ, उसके बाद और उन्होंने क्या है कि वहां पे यानी कि हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए भी, उनको एग्जैक्ट में बताने के लिए, हाँ, मतलब हिंदू धर्म को फॉलो करें. हाँ, तो उन्होंने वहां पे हर चीज का यानी कि जो यहाँ पे प्रूफ है ना, वैसे ही कुछ प्रूफ क्या है कि उनकी तरफ से वहां पे किए गए हैं. सेम वैसे ही जो घटना रामायण में घटी लंका थी और रावण का निवास था, वैसा ही वहां पे श्रीलंका में किया गया, यहाँ पे ये मानना है. हाँ, चरित्रण किया गया, जो जैसे हम बोलते हैं अयोध्या में हमारे राम भगवान का जन्म हुआ है, और वो मानते हैं हम, तो ठीक है. मगर ये बोलते हैं कि भाई ये चीज क्या है कि अभी हमें भी नहीं पता है, बट हमें जो हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म है यहीं से हुआ था. उसके बाद विभीषण, एक फ्लो में बताओ, विभीषण उसके बाद इंडिया चले गए, वो पहले श्रीलंका गए थे, ठीक है. श्रीलंका में फिर लोग थे जो उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया. पहले वो यानी कि वही करते थे कि जो पुरानी जो सभ्यता चलती थी उन्हें पानी और उनको फॉलो करते, हाँ, उनको करते थे. फिर विभीषण था, वो ये बोलते हैं कि वो थे स्मार्ट, थे क्लेवर थे. तो उन्होंने क्या किया, फिर वहां पे जैसे मान लो अपने गए थे, जाने के बाद क्या है कि उन्होंने आगे को धर्म को बढ़ाया है, हिंदू धर्म को बढ़ाया है और हमारे इंडिया तक पहुंचाया है. हाँ, इनका मानना ही है, जैसे बौद्ध धर्म बढ़ाया है चीन तक, बढ़ा है इस तरफ आपके ये सारे कंट्रीज, इनमें इंडोनेशिया को छोड़ के थाईलैंड हो गया, इस तरफ आपका ये हो गया, ये जो भी इस तरफ के कंट्रीज हैं सारे, उन कंट्रीज के अंदर बौद्ध धर्म ज्यादा है, चाइना हो गया वहाँ पे. ऐसे ही मानते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा ही
इंडिया में हिंदू धर्म यहाँ से फैला गया, क्रिश्चियन चले गए और सेम चीज ऐसे घटित हुई वहाँ पे। यू आस्क टू हिम कि सारी चीजें जैसे यहाँ घटित हुई है, गंगा वगैरह सारा कुछ, एवरीथिंग लाइक हैव गंगा, हैव राम इन बोर्न इन हियर और लाइक रावण एंड लाइक कृष्णा, एवरीथिंग इज really they have also have proof in here, right? Jadi di sini ada sungai Ganganya India, ya di mana tempat bukan sungainya Gangga, di sini adanya Tirta Ganga. Tirta Ganga. Tirta yeah. Jo Tirta Ganga. Tirta Ganga. Ya Tirta Ganga itu sana begitu di Indianya ada yang disebut sungai Jamuna. Jamuna. Di India, kalau di Bali yang ada itu adalah Tirta Empul. Tirta Empul. Ya, sama juga. Sama juga. Ya. ये इनकी बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ तीर्थ गंगा है और वहाँ पे क्या है कि अपने जैसे तीन है ना, गंगा जमुना सरस्वती, तो वैसे यहाँ पे यहाँ पे और बताते हैं कि इन्होंने ये कहा था कि लैंग्वेज थोड़ा इशू बन रहा है। इन्होंने हमने पहले पूरी बातों को गहराई से जाना, इन्होंने बताया था कि भाई यहाँ पे पहले सारी चीज घटनाएं फिर वहां पे घटी थी, वहां पे ऐसे बनाया गया था कि हिंदू धर्म के लोग किसी को हम सुनते जानते हैं देखते हैं फिर हम मानते हैं उस चीज को, ऐसा ही कुछ वहां पे हुआ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि यहाँ के लोग कुछ हिंदू ये भी मानते हैं कि हम इंडिया से आए हैं, वो ये दोनों बातें हैं। लेकिन ये देखो कि सेम टू सेम यहाँ पे गंगा भी है, यहाँ पे जहाँ राम का जन्म हुआ था, यहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ था, यहाँ पे सीता थी, दशरथ थे, उनको वनवास हुआ था, सारा कुछ यहाँ पर भी सेम टू सेम है। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं, इंडिया के लोग ऐसा मानते हैं, सच क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि पुराने समय से बात लगातार चलती आ रही है ऐसे करके। मगर एक अच्छी बात है इसके अंदर क्या है कि हमें ये थोड़ा सा यहाँ पे आके ये लगा कि यार देखो पहले जैसे मैं आता था हम देखते थे यहाँ हिंदू रहते हैं, बट हमें ये नहीं पता था कि सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है? मगर हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना वो सेम है, इससे ये तो लगता है कि हमारा धर्म एक है, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद ये बात भी है कि यहाँ इंडोनेशिया की बात की जाए या किसी भी धर्म की बात की जाए, हिंदू धर्म को काफी पुराना मानते हैं। यहाँ पर कुछ अरब कंट्री से दो सूफी आए थे, सूफियों ने उनको कन्वर्ट किया। मतलब क्या होता है, धर्म प्रचार होता है, धर्म के बारे में बातें फैलाई जाती है कि भाई यहाँ धर्म फैले, अपना धर्म का प्रचार करो जाओ, तो प्रचारक धर्म का प्रचार करते थे। ऐसे ही यहाँ ये लोग कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम हो गए, तो इसमें कोई ये बुरा नहीं है कि वो कन्वर्ट हुए तो वो बुरा क्या, जिनको जो अच्छा लगता है सब फ्री है तो फ्री हो जाते हैं, ऐसे करके वो कन्वर्टेड हैं। अरब के बारे में पता नहीं भाई हिंदू शुरू में हुए थे या फिर अरबी पहले थे मुस्लिम पहले थे, इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ये जरूर मान लें कि हमें कुछ नहीं पता है, ये जाना मानना बहुत जरूरी है कि हमें कुछ नहीं पता है। आप कमेंट करेंगे कल को मेरे को पता, आप कमेंट करेंगे आप ये मानेंगे ये हुआ था ये हुआ था, लेकिन सच्चाई किसी से नहीं। कीप योर माउथ मम, अपना मुंह चुप रखना, बंद रहना ही सच्चाई है, क्योंकि पता ही नहीं है सच्चाई है क्या। सबसे बड़ी बात तो ये है, we do not know what is the real thing. Yeah. Ask to him. He also say he don't know is real thing, but that one is depend on your belief. Like some people believe in Hindu in India. Okay. Then some people believe say Hindu from Indonesia. Indonesia. Like तो सच्चाई का मानने का कुछ नहीं पता भाई, सच्चाई है क्या। सबसे बड़ी बात है हमें खुश रहना चाहिए, इंसान रहना चाहिए। लेकिन ये बात है कि यहाँ पर भी रामायण महाभारत सब चीजों के प्रूफ हैं, यहाँ रावण के भी प्रूफ है। अगर पॉसिबल हो पाया इस जर्नी में तो नहीं, अभी तो हमें लेना पड़ेगा, एक और लेना पड़ेगा इसके लिए जानने के बाद। नेक्स्ट जर्नी में मैं जरूर इस चीज को डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि रामायण के जो प्रूफ है राम के कैसे, हाँ यहाँ पे कैसे है, क्योंकि श्रीलंका में तो उसमें जो रावण थे उनका कोई प्रूफ नहीं है, यहाँ तक मैंने सुना है पढ़ा है, हो सकता है किसी को पता भी होगा, लेकिन मेरे आई डोंट थिंक मेरे को वहाँ पे होंगे शायद ऐसा कुछ। लेकिन हम आगे वाली कड़ियों में ऐसे कुछ करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो भाई वीडियो को आप पहली बार देख रहे चैनल को तो फॉलो जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं भी कैसा लगता है आपको, आपके फिर आपका दिमाग क्या कहता है, सब चीजों को भूल के ब्लैंक योर माइंड, दिमाग को खाली करके फिर आप लोग क्या सोचते हैं, आपके अंदर से क्या आवाज आती है। क्योंकि हम सब ना पता क्या होता है, ये अलग चीज चली जाती है, हम ना प्रिंटेड हैं शुरू से ही अपने दिमाग पे, अपने समाज माहौल लोग यार दोस्त सारी चीजें हमें दिमाग में प्रिंट होती जाती है, फिर हम वही बकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके बारे में हम बकते हैं। लेकिन कुछ नहीं है, हमें न्यूट्रल होके सोचना चाहिए, हम सिर्फ इंसान हैं और सच्चाई क्या है कोई किसी को नहीं पता है। तो पेज को फॉलो करें, मन में है जो भी मन में है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और ये भाई है जो कैमरा पकड़ रखा है, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इनका भी भाभी जी हैं, भाई की वाइफ हैं और सोनू भाई का तो बहुत बड़े, क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पे लाके सपोर्ट किया और घुमा फिरा रहे हैं और सारी जानकारी दे रहे हैं। थैंक यू।